फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह हेल्दी हल्दी दूध के साथ मैं इसमें गुड़ डालती हूँ ना, तो टेस्टी हो जाता है। ये देखिए, हमारे सोसाइटी में रामनवमी का भंडारा चल रहा है। भंडारे का वाइब्स ही कुछ अलग है। गुरुद्वारे का लंगर और भंडारा, खाने का स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है। केले का एक स्नैक बना के दिखाऊंगी, जिसे मलयालम में पड़मपुरी बोलते हैं। ये देखिए, मैदा मैंने लिया 1.5 कप। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर, चावल का आटा, फिर नमक, थोड़ी सी नमक, फिर चीनी, 2 चम्मच के करीब चीनी, फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली मैंने, फिर पानी डाल के एक गाढ़ा बैटर बनाना है। इसको अच्छे से फेटिए, बहुत अच्छे से फेटिए इसको। इसमें आप काला तिल, जीरा, इलायची, ये सब डाल सकते हैं। मुझे तो जीरे का स्वाद बहुत पसंद है, पर मैं आपको ये वाला सिंपल वर्शन दिखाना चाहती थी, प्लेन वर्शन। देखिए, इसको खूब अच्छे से फेटिए। फेटने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इसको आधा घंटे के लिए रख दीजिए, 2 घंटा भी रख सकते हैं, मैं तो आधा घंटे के लिए रखी थी। फिर ये बनाना है, इसको एतकिया पड़म बोलते हैं इसको। जितना पका हो उतना अच्छा रहता है। इसको इस तरीके से इसको स्लाइस करिए। जब भी मैं अपने बड़े बेटे अमन को केला देती थी ये वाला, तो बोलते मम्मा मुझे केला मत दो, मुझे पड़मपुरी बना के दो। उसको पड़मपुरी बहुत पसंद है। देखिए, इस तरीके से इसको स्लाइस काटिए। काटने के बाद बैटर में डिप करके इसको फ्राई करिए। मेरे बड़े बेटे को ये बहुत पसंदीदा स्नैक है, पड़मपुरी बनाना फ्राई, और स्पेशली यही बनाने से बनता है। इसमें जब शुगर डालते हैं ना थोड़ा सा, तो इसमें उसकी कोटिंग में थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। देखिए, इसमें राइस फ्लोर डालने की वजह से क्रिस्पी रहता है ऊपर से, थोड़ी सी क्रिस्पी। अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो राइस फ्लोर मत डालिए, तो थोड़ी सी राइस फ्लोर डालने से क्रिस्पी रहता है। ये देखिए, बनाना फ्राई। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा और मिक्स किया, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल के इसको मैंने ये फ्राई की मैं। और इसका भी स्वाद एकदम लाजवाब था। ये एक तरह का बोंडा बोला जा सकता है। बहुत ही टेस्टी था ये भी, क्रिस्पी ऊपर से क्रिस्पी, थोड़ी सी मिठास क्योंकि शुगर डाली थी मैं, और तीखा भी था हरी मिर्च डालने की वजह से, तो बहुत ही टेस्टी था, एक डिफरेंट स्नैक। ये देखिए, पड़मपुरी और इसको बोंडा बोला जाए, वेरी टेस्टी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।